ये एक प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ से अगर मैं किसी दूसरी ट्रेन में चाहूँगा ना, तो वो ये खड़ी हुई है, बस यहाँ से आओ और प्लेटफॉर्म ये वाला शिफ्ट करके आप अपनी टॉय ट्रेन में जा सकते हो। इस साइड ना लोकोमोटिव अभी कनेक्ट किया जाएगा बैक साइड में। आज से लगभग 158 ईयर्स पुरानी है ये ट्रेन, देख लो, मतलब अब तक की सबसे पुरानी ट्रेन मैं कर रहा हूँ जो इंडियन रेलवे में चल रही है। जब भी मैं कोई प्लान बनाता हूँ ना लंबा ट्रिप, अगर मेरे पास टाइम होता है 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता का कोई भी प्लान, पहला ख्याल मेरे मन में साउथ ही आता है कि साउथ में जाऊँगा। तो वनकम दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 6:15 और मैं हूं अभी, पीछे मेरे देख लो यार, पुडुची थलाईवर डॉक्टर एम जी रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन, बेसिकली चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर ही खड़ा हूं। अब मैं वैसे आज सुबह पहुंच चुका था चेन्नई में, फिर मैंने डोर में ट्रिप नहीं बुक करवाई थी, उसके बाद चेन्नई में ही हूँ। आज फिर से मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होने की जा रही है। और वेल, ये मैं वैसे किसी दूसरी बार आया हूँ कभी चेन्नई में, साउथ में तो दो तीन तीन चार बार आ चुका हूँ, लेकिन चेन्नई में दूसरी बार है मेरा। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं आ चुका हूँ फिर से एक और जर्नी लेकर के। इस बार मैं हूँ चेन्नई में, यहाँ से मेरी जर्नी होगी नीलगिरी एक्सप्रेस में, सब कुछ बताऊँगा, अंदर चलता हूँ। वैसे भी मेरी डोरमेट्री का जो टाइम है वो हो चुका है चेकआउट करने का। और नेशनल फ्लैग, वैसे इस साइड जाओगे तो यहाँ की लोकल ट्रेन्स है, और ये तो जो नॉर्मल मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स के लिए। भाई अंदर हम लोग चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के, वैसे लगभग ये रेलवे स्टेशन हावड़ा स्टेशन जैसा ही है, जैसे हावड़ा जो जंक्शन रेलवे स्टेशन है वो मुंबई सेंट्रल टर्मिनल रेलवे स्टेशन है ना, तो ट्रेनें यहीं एंड हो जाती हैं, फिर यहीं से बैक होकर वापस चली जाती हैं। ये है मेरा एसी डोरमेट्री जो मैंने बुक की थी, एक बार अंदर से दिखा देता हूँ आपको। तो ये है एसी डोरमेट्री अंदर से, वैसे मेरी वाली जो है वो है ये 6 नंबर, यानी ये वाली, एक मिनट लाइट जगा लेता हूँ। हाँ अब ठीक है, देखो जो ये डोरमेट्री है ना एसी है, इसका 12 घंटे का जो फेयर है वो है 265 265 रुपये। सुबह मैंने बुक किया था 8 बजे का, अभी रात के 8 बजे मेरा चेकआउट हो जाना है, अभी तो चलो 6:30 हो रहे हैं। आप इसमें अपना, ये है आपका लॉकर, लॉक में आप ना लगाना पड़ता है, वहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, लॉकर इस इन बिल्ट विद द कोड, बस बाकी जो इंस्ट्रक्शन लिखी आपके अपने सामान के खुद ज़िम्मेदार हैं। और इसमें बहुत अच्छी बात यह है, आपको काम की चीज़ें बहुत दी, जैसे फ़ैन और सॉकेट भी 3 ही दिए हैं, उस पर लिखा हुआ है पहला फ़ैन का, दूसरा ये लैंप और लाइट, अगर आपको चाहिए तो आप, जैसे ये लैंप जल गया आपकी लाइट जल गई, और फ़ैन अगर आपको चाहिए, ये आपका बेड है, बाकी जो चादर चादर है वो आपको खुद ही लानी पड़ेगी अपनी तरफ से। एक ये भी लॉकर दिया हुआ है छोटी मोटी चीज़ों के लिए, उसके उसके लिए आपको दो ताले चाहिए होंगे, फिर ये वाला लॉकर है। बेसिकली देखा जाए जो ये जगह है ना जिसमें मैं रुका हूँ, ये अकेले जो पर्सन होते हैं ना, जिन लोगों ने अकेले जाना होता है, जैसे मैं अकेला आया हूँ, तो उनके लिए सही है। अगर दो लोग हो तो 265 प्लस 265 आपका कुछ 600 तक चला जाएगा, उस 600 रुपये में तो एक रूम ही आ जाएगा आपका अपना, तो ये है अकेले के लिए ये बिल्कुल सही जगह है। मेरे को एक और IRCTC फूड ट्रैक मिला था, ये वैसे यहाँ से मेरे को पूरी सब्ज़ी मिल गई है, कुछ आइटम तो और भी थी तो मैंने कहा वो ले लेता हूँ, खा के ही चला जाता हूँ। पहले का प्लान था पैक करवाना है, अभी चेकआउट करके मैं सोचता हूँ अभी 8 बजने को आ रहे तो यहीं पे खा ही लेता हूँ। वैसे साउथ में फर्स्ट टाइम आ गए, कभी पूरी सब्जी खा रहा हूँ कुछ, ये मेरे को पता नहीं कि जैसे इसको कहते हैं, एक तो चलो पूरी होगी और ये मेरे हिसाब से कोई आलू वगैरह की मिक्स कोई सब्ज़ी है, और ये तो भाई मेरे को शायद जो इडली डोसा जब खाते ना उसके साथ मिलती है वो होगी, ये जो हरी मिर्ची वगैरह डाली हुई है, देखने में तो ठीक है, मुझे लगा यही सही है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इनसे और ले लूँगा। तो उधर देख लो यार, 8:06 हो रहे हैं और आ चुका हूँ यार प्लेटफॉर्म पे, सब खाना खुना खा खोकर। वैसे ट्रेन तो लगी हुई है कब की हुई है मेरे हिसाब से 1 घंटे से पहले की यहीं पे खड़ी हुई है, अभी मेरे हिसाब से गेट भी नहीं शायद खुले होंगे, 9:05 पे डिपार्चर है, पहले कोच में चल जाता हूँ शायद खुल गए हों। तो ये है यार अपनी नीलगिरी एक्सप्रेस, चलो ये सही है, कोच इसके AC वाले पीछे से स्टार्ट है, मेरे को आसानी होगी जाने में अपना, यार A1 है, चलता हूँ यार कोच के अंदर ही चलता हूँ। तो लो जी, इसका भी सब कुछ ऑन हो ही चुका है, वैसे मेरी सीट तो है 24 नंबर है ऊपर वाली, लेकिन मेरी सीट पे ये सब कुछ पड़ा हुआ है, ये सीन है कुछ नीचे का, एक चार्जिंग सॉकेट है, चलो इसी से काम चलाना पड़ेगा। कोच पुराना है थोड़ा सा, लेकिन मॉडिफाई कर करके फिर भी ठीक ठाक मेंटेन्ड है मैं कहूँगा, और इधर वाला दिखाऊँ तो बिल्कुल सही है यार, लग ही नहीं रहा कोच पुराना है,
मॉडिफाई इस तरीके से किया हुआ है इसको। खैर उसका दो चार्जिंग सॉकेट मिल जाएंगे और पीछे एक है, यही है अब तक। फर्स्ट इंप्रेशन में तो कहूँगा कि ठीक है यार, काम चलाने लायक तो है, क्योंकि ओवरनाइट जर्नी है लगभग मेरी तो। वैसे सब कुछ हो चुका है अभी, वैसे सब कोचिस के एसी चला दिए गए हैं, लाइटनिंग ऑन है, मोस्ट ऑफ द पैसेंजर बोर्ड कर चुके हैं। एक चीज़ बताता हूँ, जैसे इस ट्रेन के बारे में आपको बताऊँ, ट्रेन नंबर है 12671 MGR चेन्नई सेंट्रल टू मेट्टुपलायम, नीलगिरी एक्सप्रेस है, काफ़ी पुरानी ट्रेन है। इसकी यही खासियत मैंने बतानी थी, इसका पहला रन हुआ था 1 फरवरी 1864 में, यानी आज से लगभग 158 ईयर्स पुरानी है ये ट्रेन, देख लो। मतलब अब तक की सबसे पुरानी ट्रेन मैं कर रहा हूँ जो इंडियन रेलवे में चल रही है। तब तो चलो इंडियन रेलवे में नहीं होती थी, 1864 कहाँ मैं पहुँच गया। इससे पहले जो पुरानी ट्रेन की थी वो थी दार्जिलिंग मेल, वो थी कुछ 144 ईयर्स, कहाँ 158 ईयर्स। अब देखने वाली बात यह है नेक्स्ट कौन सी ट्रेन मैं करता हूँ जो 158 ईयर्स से प्लस चल रही है। ये ट्रेन वैसे यहाँ से खुलेगी कुछ 10, वैसे ये ट्रेन यहाँ से खुलने वाली है 9:05 पे, और कल सुबह 6:15 बजे एग्जैक्ट मेट्टुपलायम पे। टोटल इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो है कुछ 110 किलोमीटर, और ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है 536 किलोमीटर का, यहाँ से लेकर के मेट्टुपलायम तक का। यार ये ट्रेन ना काफ़ी लंबी है, मतलब 24 कोचेस की ट्रेन है, 11 स्लीपर के कोचेस। मतलब आजकल वैसे इंडियन रेलवे में ज़्यादा ट्रेनें रही नहीं है जिनमें मतलब इतने ज़्यादा स्लीपर होते हैं, ये उनमें से है। 11 स्लीपर के, 5 थ्री टायर के, 2 टू टायर के, 1 फर्स्ट क्लास का, 3 अनरिजर्व्ड है, 2 SLR आगे पीछे, दैट्स इट। बढ़िया है यार इसका भी, काफ़ी लेजेंडरी ट्रेन है वैसे इस रूट की, काफ़ी डिमांडेड है इसकी ट्रेन की। वैसे ट्रेन का जो नाम है नीलगिरी एक्सप्रेस, वो आया है नीलगिरी माउंटेन से, जिनका नील का मतलब होता है ब्लू और गिरी का मतलब माउंटेन्स होता है, तो ब्लू माउंटेन। ये वैसे देख कर तो समझ गए होंगे किस चीज़ को कनेक्ट करती है, जो हिल स्टेशन है एक ऊटी, तो लोग मोस्टली इसमें जो जिन्होंने हिल स्टेशन जाना होता है वो इसको प्रेफर करते हैं मेट्टुपलायम उतर के टॉय ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट ऊटी। तो बाकी यार ये है लोकोमोटिव इस ट्रेन का, 22807 एराकोरम WAP4 लगा हुआ है इस ट्रेन का। और बाकी एक बात बता दूं, मैं दूसरी बार आया हूँ इसका लोकोमोटिव के पास अपने कोच से, पहले मैं आया था तब लगा नहीं हुआ था जब मैंने कोच सामान वगैरह रख के आया था। अभी सेकेंड टाइम आया हूँ, 5 थर्ड AC 11 स्लीपर कोचेस और कुछ 1-2 तो है ना जनरल के कोच छोड़कर, ये है बाकी। इसको आई थिंक मेरे हिसाब से कोयम्बटूर से रिवर्सल लेंगे ये हटके, फिर पीछे लोकोमोटिव लगेगा आई थिंक, यही लग जाएगा या जोन सा भी लगेगा, सुबह की सुबह देखी जाएगी। मुझे लगता है 5:15 कुछ कोयम्बटूर पहुँचेगी, पता नहीं मैं उठ भी पाऊँगा या नहीं उठ पाऊँगा। मतलब अगर कोयम्बटूर में मैं आऊँगा बाहर स्टेशन पर ना, तो मुझे नहीं लगता फिर मैं सो पाऊँगा, अगर यहाँ तो मैं सो गया फिर मैं आ नहीं पाऊँगा, या तो फिर मेरे को पूरी रात जागना पड़ेगा, ये सीन है कुछ इसका। वैसे भी ट्रेन तो है भी ओवरनाइट। 9:00 बज चुके हैं, 9:05 पे डिपार्चर है। बाकी मैंने चाय वगैरह ले ली थी यहाँ से, क्योंकि रात मैं सोच रहा हूँ जाग ही लूँ, क्योंकि सोऊंगा भी तो फिर सोया ही रहूँगा। एक चीज़ बतानी थी यार, यहाँ के जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत ज़्यादा ही साफ़ है, मतलब आप स्टेशन देख लो कितनी सफाई रहती है। और चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन नहीं, मैं बाहर भी गया था, मरीना बीच जा कर आया हूँ, बाहर जब मैं मेन रेलवे स्टेशन के बाहर निकलूँ वहाँ बहुत साफ़ सफाई, रोड बहुत साफ़ है यहाँ की। यही एक रीज़न है कि यार साउथ में मेरा मन बहुत करता आने को। जब भी मैं कोई प्लान बनाता हूँ ना लंबा ट्रिप, अगर मेरे पास टाइम होता है 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता का कोई भी प्लान, पहला ख्याल मेरे मन में साउथ ही आता है कि साउथ में जाऊँगा। पूरे राइट टाइम पर ट्रेन निकल चुकी है अपनी चेन्नई सेंट्रल से। और वैसे बाकी अभी तो मैं निकला हूँ, लेकिन कुछ 2-3 दिनों बाद मैं फिर चेन्नई आ रहा हूँ। इस वैसे कुछ काम नहीं है, बस 2 दिन मैं फ्री था वहाँ पे बेंगलुरु में, तो सोचा यहाँ पे ही आ जाऊँ, और यहाँ से फिर मेरे को कहीं और भी जाना है, तब फिर मिलूँगा आपसे किसी और ट्रेन जर्नी में। इतना घूम रहा हूँ, अब आप सोचोगे इतना घूम रहा है भाई, बात ही कुछ ऐसी है, काफ़ी टाइम से मैं गया भी नहीं था, और इसके बाद भी ना हो सकता है कि कुछ टाइम तक मैं ना जा पाऊँ, तो बस उसी वजह से अब पूरी कसर पूरी कर रहा हूँ। एक बार बाहर आया हूँ ना तो बस इन्जॉय कर लो जितना कर लूँ, उसके बाद मेरे एग्ज़ाम भी आ जाएंगे तो उसमें बिजी रहूँगा फिर मैं। सो वैसे अभी इसको चले को तो थोड़ा टाइम हो चुका है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अपना बेडिंग्स वगैरह पूरा स्प्रेड कर लूँ, क्योंकि अपर बर्थ है, नीचे भी सोना है, और लगभग लोगों ने पहले से बिछा के रखी है, तो मैं भी बिछा देता हूँ। वैसे हमको ये कुछ 2 बेड शीट्स मिलेंगी और एक ब्लैंकेट और एक पिलो जो कि नीचे रखा हुआ है, पहले स्प्रेड कर लेता हूँ
फिर आई थिंक ऊपर आ जाऊँगा या थोड़ी देर नीचे बैठ के फिर ऊपर आऊँगा। तो कुछ ये सेटअप है अपने इस कोच का और मेरी, मैं अपनी सीट पर आकर अभी बैठा हुआ हूँ। इसमें पुराने कोच में अगर देखूँगा तो ऐसी लाइट्स हुआ करती थी, वैसे तो आजकल दूसरी आ चुकी हैं, चल रही है, यही बहुत है। बाकी वो पीछे ब्लैंकेट पड़ा हुआ है और ये बेडशीट और पर्दे करके ना आपको साइड अपर में तो कुछ खास ही प्राइवेसी मिलती, साइड अपर साइड लोअर बहुत अच्छी सीट्स होती है ऐसी सेकंड एयर में। वैसे इस कोच में ट्रैवल करके ना वो पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब आई थिंक आज से 10 साल पहले का लगा था, 10-12 साल पहले का जब सीन हुआ करता था, जब इस एसी में ट्रैवल करना भी ना लोगों के लिए बड़ी बात हुआ करती थी। बेसिकली ये जो एसी टू टायर के कोच है, टू टायर छोड़ो, पहले तो 3 टायर में भी ट्रैवल करना एक बड़ी बात हुआ करती थी, आजकल तो चलो नॉर्मल ही है। पुरानी यादें ताज़ा हो गई बस इस कोच में ट्रैवल करके। तो भाई ये कुछ इंटरफेयर है इसके, कुछ इंटीरियर पे नहीं, जो डोर का फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है डोर एंटर होने के बाद ही, कुछ ये है इसका वॉश बेसिन। देखोगे तो मैं कहूँगा कि ओके है, क्योंकि रात की जर्नी है तो इतनी ज़रूरत इसकी पड़ेगी नहीं, लेकिन हो सकता है क्योंकि यही कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में भी यूज़ होता है तो उसमें शायद हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े। बाकी वॉश बेसिन तो मैं कहूँगा कि ठीक है जो भी आता है। और ये लाइट लगी हुई है, यहाँ पर भी लाइट है, अभी इसके वॉशरूम में चलते हैं भाई। तो ये कुछ सीन है इसके वॉशरूम का भाई, नीचे तो पानी हुआ पड़ा, मैं अभी फिसलने वाला था, कुछ खास नहीं है, भाई पानी भरा पड़ा है। और ये इसका कुछ मिरर है, लाइटनिंग काफ़ी कम है यहाँ पर, वैसे इसे कोच में यहाँ एक लाइट लगी होती थी, इसमें क्या है कि यहाँ लाइट है और थोड़ी कम है ये वाली लाइट, पूरी प्रॉपर हो नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, कान चलाने लाइक है। इधर फैन लगा हुआ, हवा इसमें भी आ रही है, कुछ वहाँ पे लगा है, तो कहूँगा काम चलाने लायक है, इतना खास भी नहीं है। और इसमें सोप जो है वो आ रहा है, ये बहुत बढ़िया है, चलो सही है हाथ धोने के लिए, चलो एसी क्लास में तो होता ही है। बाकी नीचे डस्टबिन रखा है आपको, बाकी पानी सा है, कुछ खास नहीं है, जो भी है यही है। तो भाई रात के लगभग 10:08 हो चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन के फर्स्ट स्टॉप है इसका चेन्नई से चलने के बाद, जो कि है एराकोरम। इसका स्टेशन कोड है कुछ AJJ। 2 मिनट रुकने वाली है, सिग्नल ग्रीन ऑलरेडी हुआ भी पड़ा है और कुछ 1-2 मिनट डिले है कुछ, इतना तो चलो चल जाता है। ये एराकोरम इस चेन्नई यानी कि कुछ रानीपेट डिस्ट्रिक्ट में आता है तमिलनाडु के। ये एराकोरम जो है ना, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट है रानीपेट का, सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल हब है साउदर्न चेन्नई का और इस साउथ इंडिया का। जैसे ये है कुछ, बाकी इस एराकोरम जंक्शन रेलवे स्टेशन है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड भी है, हमारी ट्रेन में वैसे उसी लोको शेड का एक लोकोमोटिव लगा हुआ है, RAP4। बाकी ये है कुछ अपने ट्रेन लगी हुई है, यहाँ से तो कोई बोर्ड किया नहीं हमारी कोच में। बैठा हुआ था अपने ऊपर वाले कैबिन में भाई, कुछ लाइटिंग भी बंद है और बाहर से सभी लाइट बंद पड़ी है, मैं फ्लैश जगा रहा हूँ, थोड़ा बाहर मार नहीं सकता, सब सो रहे हैं। तो अब दिक्कत इस कोच में यह है कि इसमें चार्जिंग जो सॉकेट है ना वो नीचे है,
और मैंने क्या किया हुआ है, अभी नीचे वाले को पैसेंजर तो सो रहे हैं, तो मैंने ना नीचे अपना चार्जिंग सॉकेट लगाकर ऐसे वायर ऊपर खींच लिया, अभी इसी से अपना फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ। अगर इससे हो तो रहा है, वैसे अगर नीचे से कुछ हिल जाता है थोड़ा सा मेरा सॉकेट तो नीचे तो अब सो चुके हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मेरे पास लैपटॉप है, फिर मैं लैपटॉप से वायर कनेक्ट करके अपना फ़ोन चार्ज कर लूँगा। सो गाड़ी ने अभी हमको पहुंचाया यहाँ का सेकंड हॉल्ट इस ट्रेन का, जो कि है काटपाटी रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड KPD। ये वैसे इस रूट का, चेन्नई से बेंगलोर रूट का सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है। वैसे अप्रॉक्सीमेट जो भी ट्रेन यहाँ आती है वो यहाँ पे रुक कर ही जाती है, और कुछ काफ़ी रश हो गया यहाँ स्टेशन पे, काफ़ी लोग चढ़े भी हैं, हमारे कोच में भी कुछ लोग चढ़े हैं। इसमें देख रहा हूँ कहीं सिग्नल हो ना जाए, वैसे भी टाइम से लेट आई है यहाँ पे। वैसे 5 मिनट का हॉल्ट है इसका, कुछ टाइम तो रुकेगी वैसे। और वैसे अब तक हमने 136 किलोमीटर कुछ कवर किया है चेन्नई से लेकर काटपाटी तक। ये वैसे वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तमिलनाडु के जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से तिरुपति के लिए अलग लाइन हो जाती है, और मेरे ख्याल से सिग्नल ऑरेंज हो चुका है, मुझे ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। तो वैसे अभी रात के लगभग 11:15 हो रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सो जाऊँ। मैं 1-2 घंटे ही सोऊंगा, ज़्यादा नहीं सोऊंगा। हो सकता है सलेम पे मिल जाऊँ, नहीं तो उसके अगले स्टॉप पे मिल जाऊँ, जैसा भी होगा। अभी के लिए गुड नाइट, Day 2 में ही मिलूँगा आपसे, भले मैं 2 बजे मिलूँ या 4 बजे मिलूँ, Day 1 को यहीं ख़त्म करते हैं। गुड नाइट। सो सुबह के लगभग 4:30 से ऊपर टाइम हो चुका है, ट्रेन ने पहुंचाया कोयम्बटूर नॉर्थ पे, स्टेशन कोड CBF। काफ़ी लोग यहाँ पे भी उतरे हैं, वैसे अभी भी उतर रहे हैं यार, अंधेरा बहुत है। एक तो मैं ना फ्लैश से काम चला रहा हूँ यहाँ पे, कुछ ये सीन है। बाकी ट्रेन तो कुछ 10 मिनट ऐसे कुछ लेट है, कुछ इतना तो चल जाता है। मेन मेरी वैसे टिकट जो है ना वो कोयम्बटूर तक है, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ मेट्रोपोलियम तक चला जाऊँ। मैंने TT मैम से बात भी करी, लेडीज़ TT है इस ट्रेन के, तो वो कहते इट्स ओके आप चले जाना, अभी चल पड़ेगी मेन। तो वैसे कोयम्बटूर जंक्शन है, वहीं पर मिलता हूँ आपसे अभी, जब तो थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लेता हूँ, ब्रश वगैरह कर लेता हूँ। भाई सुबह के 5 बजने वाले हैं, वैसे गाड़ी ने पहुंचा दिया हमको कोयम्बतूर में, स्टेशन कोड CBE। कुछ 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। वैसे इसका ये 5:10 का टाइम था, लेकिन कुछ टाइम से पहले ही पहुंच चुकी है, लगभग लोग यहीं पे उतर रहे हैं इस ट्रेन के। तो इस साइड ना लोकोमोटिव अभी कनेक्ट किया जाएगा बैक साइड में। तो भाई मैं तो कोयम्बटूर पे ही अभी उतरा हूँ यहाँ पे, मतलब कि ट्रेन में तो इसी में जाऊँगा मेट्रोपोलियम तक, लेकिन मैं नॉन एसी कोच में शिफ्ट हो रहा हूँ बस, क्योंकि टिकट इसमें थी एसी क्लास में यहीं तक। मैं सोचा चलो अब नॉन एसी के मज़े लेते थोड़ा यहाँ से लेकर मेट्रोपोलियम तक। AC जॉन एसी तो इसका कुछ ऐसा है, लगभग खाली खाली सा है, कुछ ज़्यादा भरा नहीं हुआ। और वैसे कोयम्बटूर एक तमिलनाडु का ही ज़िला है, यहाँ पे एक काफ़ी सदियों पुराना द्रविड़ियन स्टाइल मंदिर है, जिसको कि अरुलमिगल सुब्रमण्य स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है, बाकी अपनी ट्रेन तो ऐसे ही लगी हुई है, टाइम से काफ़ी पहले ही आ गई, आई थिंक 15-20 मिनट पहले से यहाँ पे खड़ी हुई है ये ट्रेन। तो
और वैसे तो मैं अभी जनरल में बैठा हुआ था कोयम्बटूर से चलने पे ही, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये जो ट्रेन है ना वो कोयम्बटूर नॉर्थ को दो बार क्रॉस करती है, एक बार जब चेन्नई से आ रही होती है कोयम्बटूर जा रही होती है तब ये कोयम्बटूर नॉर्थ रुकती है, लेकिन जब रिवर्सल ले लेती है ना कोयम्बटूर जंक्शन से फिर ये वापस जाते हुए ना मतलब कोयम्बटूर नॉर्थ से ऐसे ही निकल जाती है, वहाँ से रूट अलग होता है कुछ। तो ये कुछ सीन है ट्रेन का, बाकी ये कुछ हाल है अपने जनरल कोच का। कुछ सभी लोग मेरे हिसाब से साथ में सोए हुए हैं और गाड़ी तो मतलब दौड़ती चले जा रही है, उसके बाद मेरे को टाइम का पता ही नहीं लगा कब निकल गया, अभी बस 15 किलोमीटर बचा मीटू बुलाएम यहाँ से, मैं बैठा हुआ था बस दौड़ती चली जा रही गाड़ी यहाँ पे। तो पहुंच गए थे यार मेटू पुलायम पे, भाई ट्रेन ने लगभग राइट टाइम ही पहुंचा दिया हमको मेटू पुलायम स्टेशन, कोड MPP है वैसे। और इस स्टेशन की एक खासियत पता क्या है, देखो ये खड़ी है पीछे हमारी ट्रेन, अभी जा कर के रुकी है ये एक प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ से अगर मैं किसी दूसरी ट्रेन में चाहूँगा ना तो वो ये खड़ी हुई है, बस यहाँ से आओ और प्लेटफॉर्म ये वाला शिफ्ट करके आप अपनी टॉय ट्रेन में जा सकते हो। उधर है ब्रॉडगेज, इधर है जो नीलगिरी हिल्स की रेलवे यहाँ से लेकर ऊटी तक, और ये ट्रेन जो है इसी ट्रेन के लिए बनी हुई, यानी ये दोनों कनेक्टिंग ट्रेन है, नीलगिरी का इसके साथ पूरा कनेक्ट है, जब तक नीलगिरी नहीं आती इसको नहीं चलाएंगे। और ये जो आप लाइन लगी हुई देख रहे हो ना लोगों की ऐसे, ये इस टॉय ट्रेन के अनरिजर्व जनरल टिकट की लाइन के लिए खड़े हैं, इसकी जनरल मतलब अनरिजर्व टिकट भी मिलती होगी तो लोग उसके लिए पहले से लाइन लगा के रखते हैं, यहाँ पर नीलगिरी एक्सप्रेस से आता है लाइन में लग जाता है यहाँ पर। तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा क्रेज़ है लोगों में इस टॉय ट्रेन में सफ़र करने का। बेसिकली देखो मैं तो इसमें जाने नहीं वाला क्योंकि मेरी आज ही कोयम्बटूर से रात को अगली ट्रेन भी है, तो मुझे नहीं पता मैं वापस आ भी पाऊँगा कि नहीं अगर मैं चला भी गया। और एक सीन हो रहा है, मैं पहले ऊटी जा चुका हूँ एक बार में, मतलब मैं टॉय ट्रेन में नहीं गया था वो आई थिंक काफ़ी साल इससे 8 साल पहले, मेरे को याद भी है 2014 में मैं गया था ऊटी अपनी फैमिली के साथ, उस टाइम पे मैं कुछ 7th-8th standard में पढ़ता हूँगा, तो तब मैं गया था वाया मैसूर होके, हम लोग मैसूर आए थे, मैसूर से फिर बस पकड़ के पूरा दिन का सफ़र किया, सुबह बैठे थे शाम को जाकर के कहीं ऊटी पहुँचे थे। तो ये कुछ सीन था, अभी तो मैं जाने नहीं वाला, नेक्स्ट टाइम कभी टाइम लगा तो इस ऊटी टॉय ट्रेन में भी सफ़र करूँगा। तो ये है इसका बोर्ड, मेटू पुलायम से उदगमंडलम, ये इसको ऊटी कहते हैं, जो कि ऐसा सीन है 3 या 4 कोचिस की मुश्किल से ट्रेन हुई है। वो है इसके इंजन्स का मेंटेनिंग डिपो, जहाँ पे इस छोटी सी लाइन के ट्रेन के लोको मेंटेन होते हैं, और ये देख के तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरे हिसाब से कालका में है ना सीन, कालका में लोग आते हैं शताब्दी से सुबह आते हैं और फिर दूसरे प्लेटफॉर्म चेंज करके वो जो कालका शिमला वाले जो टॉय ट्रेन है उसमें चले जाते हैं, वैसा ही यहाँ का भी सीन है, बस इस ट्रेन से उतरो और प्लेटफॉर्म से चलते चलते जाओ और आपकी ट्रेन वहाँ पे खड़ी मिलेगी आपको। और वैसे ये रेलवे स्टेशन भी देखने में काफ़ी खूबसूरत सा है, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा लगा मेरे को। लेकिन यहाँ से बेसिकली ट्रेन कोई भी आगे जाती नहीं है, बेसिकली ब्रॉडगेज वाली वो सिर्फ ऊटी टॉय ट्रेन ही जाती है इससे आगे, बाकी जो भी ब्रॉडगेज वाली आती है वो यहीं टर्मिनेट हो जाती है। दैट्स ऑल, ये था मेरी इस जर्नी में हमारी नीलगिरी एक्सप्रेस में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।